एक तरफ जहां विपक्ष ने आज सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने भी कर्नाटक में हुआ ताजा घटनाक्रम पर वहां की सरकार को घेरा। संसद भवन परिसर में ही भाजपा सांसदों ने कर्नाटक के बेलगाम में दलित महिला के साथ हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। गांव में एक औरत को नंगा करके मारपीट करके जुलूस निकाला है और इतना क्रूयल था वो, तो क्रूर रूप से किया है और स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट कॉग्निजेंस लिया है। कर्नाटक गवर्नमेंट का जो आज की स्थिति है, पूरा लॉलेसनेस स्थिति है, इसके कारण एक है कर्नाटक गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे राजस्थान में बहुत बड़े मात्रा में अत्याचार हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, ये सब कर्नाटक में शुरू हो गए, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस है तो ये स्थिति शुरू होता है, क्योंकि इनका एक अनहोली अलायंस है क्रिमिनल्स के साथ कांग्रेस पार्टी का। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, कानून सुव्यवस्था सब बिगड़ गए हैं, मंत्री के वो उप मुख्यमंत्री, मंत्री मुख्यमंत्री उसका सामने में मिला जुला नहीं है, तालमेल नहीं है। एक महिला को अत्याचार कर रहे, पेरेड कर रहे, उसका कपड़ा उतर रहे, नेकेड कर रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद केस डाला। पूछना चाहती हूँ सिद्धरामैया को, आप क्यों मौन है? व्हाई यू आर साइलेंट?